है, ये चेहरे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तो इनका बायकॉट किया जाए। ऐसे लोगों से होशियार रहना है, इनको यकीनन आप पहचानिए रहबर कौन है और रहजन कौन है। ये हमारे रहबर, हमारे कायद, हमारे हमदर्द अगर कोई है कायदीन मस्जिद, ये रहजन है जो मिल्लत में इंतजार पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, तफरीका डालने की कोशिशें कर रहे हैं, हमारे इतिहाद को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। 20 तारीख के दिन आपको ये साबित कर देना है, जितने फिरका पारत तनासिर है इनका मुंह तोड़ जवाब इनके वोट से देना है। आज देखिए दीगर रियासतों में किस तरह शरीयत मुतहरा पर हमारे शरीयत में मुदाखलत की बात हो रही है। एक मुसलमान शहर की सुकून की नींद कहीं सोने सो नहीं पा रहा है, किस तरह जुल्म ज्यादती का शिकार मुसलमान होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो या दीगर रियासतें हो, इन रियासतों में और जहां जहां खुशन भारतीय जनता पार्टी बरसर इकतदार है और कांग्रेस आई जहां बरसर इकतदार है, किस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है, किस तरह मुसलमान परेशान है वहां पर। यहां पर मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन जैसी क़यादत होने की वजह से, नकीब-ए-मिल्लत और हबीब-ए-मिल्लत जैसे कायदीन होने की वजह से कोई फिरका परस्त की ये हिम्मत नहीं कि यहाँ के मुसलमानों पर उस तरह का जुल्म किया जाए जिस तरह यूपी और राजस्थान मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मस्जिद पर हमले किए जाते हैं, मस्जिद पर अदानें बुलंद होती है, स्पीकर को बंद करने की बातें की जाती है, अदानों को बंद करने की बात की जाती है, मदरसों को बंद करने की बात की जाती है और हलाल चीज खाने पर पाबंदी आयद करने की बात की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इश्तेहार का नतीजा है कि तेलंगाना रियासत इन चीजों से महफूज है, फिर नापरस्त ताकतों के नापाक अजायम से महफूज है। आपके इश्तेहार की वजह से, आपकी मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन से अटूट वाबस्तगी की वजह से ये सब चीज हो रही है। इसीलिए आपको 20 तारीख के दिन इन तमाम चीजों का खात्मा कर देना है। फिर नापरस्त ताकतों के नापाक अजायम को नाकाम बनाते हुए पहले से ज्यादा मुतहिर वोट का इस्तेमाल करते हुए जुल्फिकार अली साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने के लिए बदन के इंतखाबी निशान पर बदन दबाए और ये ना सोचे कि हमने हमारे घर से 5 वोट है, 4 वोट पड़ गए, अब 1 वोट की क्या जरूरत है। ये बात मैंने फिक्र में ना लाए, एक एक वोट की बड़ी अहमियत होती है। एक वोट की वजह से कोई उम्मीदवार कामयाब होता है और एक वोट ही की वजह से कोई उम्मीदवार को नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। एक एक वोट बड़ा अहमियत का हमें लगता है, इसलिए एक एक वोट की अहमियत को समझे। एक एक वोट की अहमियत समझते हुए समाज के अवलीन वक्त अपना खुद का वोट इस्तेमाल होने के बाद अपने अपराध खानदान को, अजीत अकुरबा को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को वोट डालने के लिए और मर्ज से वोट जहां पर जहिंदों को जमा किया जाता है, पोलिंग बूथ पर जहां पर जाने की जरूरत पेश आती है, वहां पर समाज के अवलीन वक्त अपने लोगों को जमा करें और तरजीह दिलाएं कि जाए पोलिंग बूथ पर जमा हो जाए और एक एक वोट का इस्तेमाल करने की पहले से ज्यादा सजीव जरूरत है। मैं इन्हीं ख्याल के साथ यही ख्वाहिश करूंगा, पहले से ज्यादा जमात को मुस्तहकम करें, उसके काम बख्शे और मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के कायदीन के हाथ मजबूत करें, फिरका परस्त ताकतों के नापाक अजायम को नाकाम बनाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।